नमस्कार, मैं हूं मौलिका शर्मा और देश भर की धार्मिक हलचलों के इस खास सफर श्रद्धा अपडेट्स में आपका स्वागत है। वाराणसी के घाटों पर उमड़े कांवड़िए, महादेव से जुड़े कपड़ों की बड़ी मांग। सावन के पवित्र महीने के चलते उत्तराखंड के सीएम धामी ने हरिद्वार में कांवड़ियों का किया स्वागत। हरिद्वार पहुंच रहे लाखों की संख्या में कांवड़ियों पर उत्तराखंड सरकार ने हेलीकॉप्टर से की पुष्प वर्षा। सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्माणाधीन केदारेश्वर मंदिर में लगा शिव भक्तों का तांता। काशी से विंध्य धाम की यात्रा 6 अगस्त को, मां विंध्यवासिनी पदयात्रा में शामिल होने पहुंचेंगे देश भर के श्रद्धालु। रेवाड़ी में सावन के दूसरे सोमवार को भगवान शिव ने दिए दर्शन, खुदाई के दौरान निकला शिवलिंग। और साल 2025 में शुरू होगा महाकुंभ, स्नान की तिथियां होंगी महत्वपूर्ण। सावन के महीने में भगवान शिव से जुड़े प्रतीकों वाले वस्त्रों की मांग बढ़ गई है। शिव भक्त कांवड़िए इन दिनों गंगा जल लाने के लिए गंगा किनारे बसे इलाकों की यात्रा कर रहे हैं। पवित्र शहर वाराणसी के दुकानदारों का कहना है कि गंगा जल लेने के लिए घाटों पर उमड़े कांवड़िए भगवान शंकर की तस्वीरें और तस्वीरों वाले तरह तरह के ध्वज खरीद रहे हैं। टी शर्ट, बोल बंगा, सब कपड़े, पैंट वेंट सब अच्छा बिक रहा, गमछा जैसे सब बिक रहा है। तो डिमांड किस तरीके का लुक कर रहे हैं? डिमांड महाकाल टी शर्ट है और कुर्ता है और लाइट वाला टी शर्ट है, ये सब डिमांड ज़्यादा है। कुछ दुकानदारों का कहना है कि इस साल कांवड़िए ज्यादा जोश में हैं। नेपाल तक से लोग कांवड़ लेने वाराणसी पहुंचे हैं। हिंदू धर्म में सावन का महीना शुभ माना जाता है। इस महीने भगवान शिव के लाखों श्रद्धालु वाहनों में या नंगे पैर सफर कर पवित्र नदियों से खास तरह के जल लेने आते हैं। लौट कर वे ये जल भगवान शिव के मंदिरों में चढ़ाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को हरिद्वार में कांवड़ियों के पैर धोकर उनका स्वागत किया। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हर साल करोड़ों शिव भक्त गंगा का पवित्र जल लेकर यहां आते हैं, हम इस देवभूमि पर उन सभी का स्वागत करते हैं। इसके बाद धामी ने हरिद्वार में शिव संध्या में भाग लिया। 22 जुलाई से शुरू होने वाले सावन के महीने में उत्तर भारत के हजारों लोग उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार तक पैदल जाते हैं, गंगा नदी से जल इकट्ठा करते हैं और शिव मंदिरों में चढ़ाने के लिए वापस लाते हैं। देश के अलग अलग राज्यों से हरिद्वार पहुंच रहे लाखों की संख्या में कांवड़ियों पर उत्तराखंड सरकार द्वारा आज हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की गई। हरिद्वार की हर की पौड़ी गंगा जल लेने पहुंच रहे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान कांवड़ियों में एक अलग ही उत्साह नजर आया। हर की पौड़ी से लेकर गुरुकुल नारसन तक हेलीकॉप्टर द्वारा कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। वहीं अपने ऊपर पुष्पों की वर्षा देख कांवड़ियों ने सरकार का धन्यवाद किया। बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है। हम कहते हैं पुष्कर सिंह धामी जो हमारे मुख्यमंत्री, उनको जय श्री राम। ये चाहते हैं कि बीजेपी सरकार द्वारा पुष्प वर्षा की गई है और हमारे योगी जी है ना, जो वो बहुत अच्छा काम करते हैं और आगे भी अच्छा ही काम करते रहेंगे। और इस दौरान इतना सावन का दिन है तो इसके कारण हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज देखने के लिए मिली है और पुलिस प्रशासन उत्तराखंड पुलिस द्वारा भी बहुत ज्यादा सहयोग मिला, क्योंकि यहाँ पर एक तो जाम नहीं है और दूसरा सफाई की बहुत ज्यादा व्यवस्था, कोई भीड़ वगैरह नहीं है। जय बोलेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्माणाधीन केदारेश्वर मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से शिव भक्त केदारेश्वर मंदिर दर्शन करने आ रहे हैं। इटावा में लायन सफारी के पास अखिलेश यादव केदारेश्वर मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। मंदिर निर्माण में प्राचीन मंदिर शैली का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर की हूबहू तर्ज पर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। विगत दिनों नेपाल से लाई गई शालिग्राम शिला को मंदिर में स्थापित किया जा चुका है। सावन के सोमवार के चलते बड़ी संख्या में शिव भक्त मंदिर में दर्शन करने और जल चढ़ाने पहुंच रहे हैं।
हरिद्वार से गंगा जल लेकर केदारेश्वर मंदिर में जल चढ़ाने आए एक श्रद्धालु ने कहा कि उसकी मंदिर में श्रद्धा है, इसीलिए यहां पर जल चढ़ाने आए हैं। काशी से मां विंध्यवासिनी के दरबार तक की पदयात्रा 6 अगस्त को निकलेगी। श्रावण शुक्ल पक्ष द्वितीया को चौक स्थित श्री बाल माता मंदिर देवी कोट से यात्रा की शुरुआत होगी। बता दें कि यात्रा में शामिल होने के लिए देश भर से मां के भक्त काशी पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि मां विंध्यवासिनी पदयात्रा स्वागत समिति की ओर से निकलने वाले यात्रा के श्रद्धालुओं का रास्ते भर स्वागत किया जाएगा। सूचना मंत्री विकास मेहरोत्रा ने बताया कि कई वर्षों से मां विंध्यवासिनी पदयात्रा काशी से मां विंध्यवासिनी के दरबार तक निकलती है। मां का जयकारा लगाते हुए ढोल नगाड़ों के साथ श्रद्धालु मां भद्रकाली मंदिर पहुंचेंगे। स्वर्गीय आत्माराम सेंगल के परिजन ज्योति पूजन करेंगे और फिर भजन के बाद शोभा यात्रा आरंभ होगी। बताया जा रहा है कि यात्रा सत्यनारायण मंदिर, बांस फाटक, गोदोलिया, गिरजाघर होते हुए गुरुबाग गुरुद्वारे तक जाएगी। मथा टेक कर श्रद्धालु मां के धाम की ओर प्रस्थान करेंगे। इस यात्रा की विशेष बात यह है कि पिछले कई वर्षों से कई परिवार कई पीढ़ियों से इसे अपनी पारिवारिक परंपरा की तरह निभा रहे हैं। ऋषि मुनियों की पावन धरा भारतवर्ष युगों युगों से भारतवासियों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र रही है और यही कारण है कि यहाँ के लोगों की देवी देवताओं की प्रतिमाओं में भी प्रगाढ़ आस्था सदैव विद्यमान रहती है। इसी कड़ी में सावन के दूसरे सोमवार को हरियाणा के रेवाड़ी में एक प्लॉट की खुदाई के दौरान वर्षों पुराना शिवलिंग निकला जो देखने में अति सुंदर और प्राचीन दिखाई देता है। रेवाड़ी में सावन के दूसरे सोमवार को भगवान शिव ने दर्शन दिए। रेवाड़ी के मोहल्ला कायस्थवाड़ा में एक प्लॉट की खुदाई के दौरान शिवलिंग निकला। आपको बता दें कि अभी एक मंदिर में औपचारिक रूप से शिवलिंग को रखा गया है। सावन के मौके पर शिव भक्तों ने जलाभिषेक भी किया। इस दौरान पूज्य शिवलिंग के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा दिखाई दिया। बहरहाल इस प्राचीन शिवलिंग को एक मंदिर में औपचारिक रूप से स्थापित किया गया है। जैसे ही लोगों को इसकी भनक लगी तो इसके दर्शनों व जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों का तांता लग गया। इस संदर्भ में स्थानीय लोगों की माने तो रेवाड़ी के मोहल्ला कायस्थवाड़ा स्थित एक प्लॉट की जब खुदाई की जा रही थी तो ये प्राचीन शिवलिंग निकला जो काफी प्राचीन है। ये लोग चाहते हैं कि इस शिवलिंग की इस मंदिर में स्थायी रूप से पूरे विधि विधान से स्थापना की जाए ताकि सभी को इनके पावन दर्शनों का लाभ मिल सके। हम सभी जानते हैं कि हर 12 साल में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार ये आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाला है। इसके अलावा हर 3 साल में कुंभ मेला और हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है। साल 2013 के बाद अब अगले महाकुंभ का आयोजन साल 2025 में होने वाला है। महाकुंभ को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा उत्सव और मेला माना जाता है। इस पवित्र मेले में दुनिया भर के लोग शामिल होते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले महाकुंभ का आयोजन साल 2025 में होने वाला है। बताया जा रहा है कि महाकुंभ का पहला शाही स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन होगा, वहीं दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन होगा, तीसरा शाही स्नान बसंत पंचमी यानी 3 फरवरी को होगा। इसके अलावा 13 फरवरी को पौष पूर्णिमा के दिन शाही स्नान होगा। इसके बाद माघी पूर्णिमा 12 फरवरी और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन शाही स्नान किया जाएगा। इसी के साथ देश विदेश जुड़ी धार्मिक जानकारियों के लिए देखते रहिए श्रद्धा अपडेट्स। तब तक के लिए नमस्कार।